नमस्कार, मैं प्रदीप दीक्षित और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के खाटू श्याम बाबा मंदिर में। यहां पर जैसा कि पूरे देश में जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाई जा रही है, आज यहां पे बाबा के धाम पे यहां पे हजार लाखों की तादाद में भक्त लोग मौजूद हैं। आज हम भक्तों से बात करते हैं कि जन्माष्टमी इस शुभ अवसर पर, इस त्यौहार पे क्या कहना चाहते हैं भक्त लोग। जैसा बाबा जी का जन्म है, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप जन्माष्टमी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जन्माष्टमी एक अच्छा त्यौहार है हम लोगों का, हिंदुओं का, और यहाँ खाटू श्याम बाबा हम लोग हमेशा आते रहते हैं, और यहाँ मान्यता है कि जो कुछ मांगा जाता है तो मिल जाता है। लगभग कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं हर जन्माष्टमी में? लगभग 2-3 साल से आ रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को ये देना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर कर रहे हैं, और जो है भगवान का जन्मदिन अच्छे से मनाएं। तो आप किस तरीके से जन्माष्टमी मना रहे हैं? हम लोग जन्माष्टमी आज व्रत रखे हुए हैं, और जो है पूजा करके 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म करा करके तब भोग लगाएंगे, तब भोजन पूरे दिन व्रत। और हमारे साथ भी दादा भी हैं, ये बताइए जन्माष्टमी जो है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दादा बताओ। ठीक, दादाजी शर्मा रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, ये बताइए भैया जो जन्माष्टमी है यार, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सामने आ जाइए। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक बहुत पावन त्यौहार है, और इसमें सब लोग बहुत खुशी से एक दूसरे से मिलने आते हैं और व्रत रहते हैं। इसमें हम लोग मखाने और दूध सुबह सुबह लेते हैं, और शाम को भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है मंदिर में आके, क्योंकि सब श्रद्धालु बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, जो ऐसा लग रहा होता है कि हाँ सही में आप हिंदुओं के वो त्यौहार में आके रहे देख रहे हैं। ये बताइए आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रहे? जन्माष्टमी पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? हम 2-3 साल से आ रहे हैं, हम यहाँ लखनऊ के नहीं, हम हरदोई के हैं। तो जब से हम निषादगंज में आके रह रहे हैं तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं मंदिर में। यहाँ पे सजावट की बात करें, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे तो वैसे भी हम आते रहते हैं, बट आज के दिन कुछ अलग ही है, तो फिर अच्छा ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जैसा कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु लोग आए हैं, यहाँ पे प्रशासन की बात करें उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर अच्छा ही है, बट ये है थोड़ा लाइन की प्रॉब्लम है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है आज के दिनों में, मतलब फेस्टिवल टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बट ठीक है यहाँ पे काम सब सही है। सुरक्षा की बात करें तो इसके क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा में जगह जगह यहाँ पे पुलिस भी है, और ऑर्डर तो ठीक ही है, भीड़ है, भीड़ होती ही है फेस्टिवल्स में, बट ऑर्डर के लिए कोई वो नहीं है, ऑर्डर ठीक है, अच्छा है। इस जन्माष्टमी को लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से प्रशासन जो करे अच्छा कर रहा है, जगह जगह वहाँ पे आगे भी ट्रैफिक में पुलिस लगी। मैंने ये कहा कि इस जन्माष्टमी को लेकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको? कि हमारे देश में एकजुटता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, और सब लोग एक साथ मिल बांट के रहें, मिलजुल कर रहें, और जैसे फेस्टिवल में सब लोग ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे कि यूनिटी है, और यूनिटी ऐसी बनी रहे हमेशा। या आपको दर्शन बाबा के हो गए? हाँ हो गए, बाहर से हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी अंदर जाएंगे, सोचे हैं अंदर जाने का, बट अभी भीड़ ज़्यादा है तो धीमे धीमे जाएंगे। भीड़ को देखते लगता नहीं कि वहाँ पे पहुँच मिलेगा? ऐसा नहीं है, धीमे धीमे पहुंच ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आए मंदिर तो पहुंच ही जाएंगे, दर्शन करके वापस जाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ और भी युवा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए जो जन्माष्टमी है इसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी किए हैं, और जन्माष्टमी को क्या कहना चाहते हैं? मेरी तैयारी तो बहुत तगड़ी हुई है। क्या कहती है? अरे मतलब बहुत खुश हुए कि जन्माष्टमी आने वाली है। यहाँ पे आज जो दर्शन करने आप पहली बार आए कि पहले आ चुके? नहीं, इससे पहले आ चुके हैं। कितनी बार आज के लगभग? दो बार आए हैं। यहाँ के आपको आगे कैसा लग रहा है? बहुत 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 ही आनंदमय। यहाँ सजावट की बात करें? बहुत अच्छी, बता नहीं सकते, बढ़िया है। और यहाँ व्यवस्था, सुरक्षा की बात करें अगर? नंबर वन सही है सिस्टम। तो आपके दर्शन हो गए? दर्शन तो नहीं हुआ, कहाँ इतनी भीड़ है, दर्शन कहाँ हो पाएंगे। तो क्या हिम्मत हार जाएंगे आप? नहीं, हिम्मत तो हार चुके हैं, बट कोशिश करेंगे, देखता हूँ। रात उसका जन्म जिसको हारे का सहारा, वही तो, जिसके साथ भगवान से आम है, फिर हारना है ही नहीं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, कहने प्रसन्न करना चाहता हूँ, जब भीड़ दिखाई है कि आज बाबा के दरबार में लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे हर आदमी, हर श्रद्धालु अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी मना रहा है, और अंदर से खुश भी बहुत है। और यहाँ पे देखिए
अंदर ना जाने के कारण श्रद्धालु लोग बाहर भी खड़े हैं। अगर यहाँ सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह पे पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी निभा रहा है और जगह जगह पे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन के साथ हर्षित सिंह के साथ प्रदीप दीक्षित की खास रिपोर्ट।